हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हमें जीएसटी फाइल करने के लिए जो हमें सीए को फाइल एक्सपोर्ट करके देनी होती है, जो भी हमने सेल किया है या परचेज किया है, और यदि हम खुद से भी करते हैं तो हमें भी जो है उस फाइल की नीड होती है, फाइल रिटर्न, जीएसटी फाइल रिटर्न करने के लिए। तो आज हम समझेंगे कि किस तरह से हम अपने सीए को या अकाउंटेंट को फाइल एक्सपोर्ट करके दें, या फिर अगर हम खुद से रिटर्न करते हैं तो कौन सी फाइल हम अपने जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करें। तो सबसे पहले आपको आना है जीएसटी के मेनू में। अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो तो प्लीज़ आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें, जब भी आपको ये जीएसटी का जो मेनू है सेपरेटली आपको दिखेगा, क्योंकि अगर आपका पुराना वर्जन है तो आपको ये सेपरेटली नहीं दिखेगा। डाउनलोड कैसे करना है इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, या फिर आप मार्क की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड डाउनलोड कर लें सॉफ्टवेयर को। तो जीएसटी मेनू पे आने के बाद आपको GSTR 1 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जिस सीए से भी आप रिटर्न कराते हैं ये उसकी डिटेल्स मांगता है। अगर आपको डिटेल देनी है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको कैंसिल कर दें। उसके बाद जैसे आप इसे कैंसिल कर देंगे तो कौन से महीने की आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो डेट सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि सपोज कि नवंबर चल रहा है तो मैंने नवंबर ही चूज कर लिया। जैसे ही आप यहाँ पे एक तारीख डालेंगे ऑटोमेटिक वो 30 या 31 का जो भी महीना होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा, और शो एरर पे क्लिक करने का शो पे आप क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि जो भी आपने सेल कर जितनी भी आपने सेल की है परचे सिर्फ सेल सेल का ये डेटा है जो GSTR 1 में आता है। तो अब हमें ये जो सीए को देनी है वो कैसे देनी है। जैसे कभी कभी होता है सीए एक्सेल मांगते हैं, या कभी कभी सीए जो है जेएसएन फाइल मांगते हैं आपसे। तो उस केस में क्या करना है कि आपने डेट डाल दी, डेट के अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है वो आ चुका है। अब आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको नीचे दिखेंगे। अब कैसे, अगर आपको एक्सेल चाहिए तो आप एक्सेल पे क्लिक करें, समरी और डिटेल। जो सीए मांगते हैं वो डिटेल्स मांगते हैं, क्योंकि उसमें सेपरेटली SGST CGST डिटेल वाइज उसमें सारी चीज़ें होती हैं तो वो डिटेल मांगते हैं। तो आप डिटेल पे क्लिक करके ओके करें, और जैसे ही आप ओके करेंगे कुछ ही सेकंड बाद एक एक्सेल ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल होंगी आपके इनवॉइस से रिलेटेड। तो डेटा जनरेट हो चुका है, मैं इसको मिनिमाइज करके देख लेता हूँ। ये एक्सेल जनरेट हो चुका है, हमने जितने भी इनवॉइसेस काटे हैं वो सारी डिटेल्ड है यहाँ पे, और SGST किस में कितना लगा है, CGST किस में कितना लगा है, पूरी की पूरी डिटेल है जो कि सीए को चाहिए होती है रिटर्न फाइल करने के लिए। तो अब ये आपका एक्सपोर्ट हो चुका है। अब ये कहाँ एक्सपोर्ट हुआ है अगर आप पूछते हैं तो ये मार्क बाय डिफॉल्ट जो एक्सपोर्ट होता है मार्क के फोल्डर में जाता है, जो कि थोड़ा सा अंदर होता है। तो आप, मेरे रिकमेंडेशन है कि आप फाइल में जो भी आपका एमएस ऑफिस 2007 हो 10 हो, आप फाइल में जाएं और इसको सेव एज कर लें आप अपने अकॉर्डिंग जहां पर भी आप सेव करना चाहते हैं। तो मैंने सेव एज कर लिया सपोज कि, और कहाँ सेव करना है आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेव कर सकते हैं। सपोज कि मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैंने डेस्कटॉप चूज कर लिया और इसको सेव कर दिया। बहुत ईजी सा स्टेप है, और इसके बाद आप इसे क्लोज कर दें। तो ये तो आपको पता लग गया कि एक्सेल से एक्सपोर्ट कैसे करना है एक्सेल में। अब जो है सीए कभी कभी आपसे जेएसएन मांगते हैं कि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसका जेएसएन आप मुझे दे दीजिए रिटर्न के लिए, या फिर आप अगर खुद से रिटर्न करते हैं तो जीएसटी पोर्टल पे जेएसएन फाइल अपलोड करनी होती है जिसमें आपको सिंगल सिंगल बिल बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए आप जो है GSTR 1 रिटर्न पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, प्लेन शीट, GST, एक्सेल टेम्पलेट, तो CSV शीट। तो जो भी आपके सीए मांग रहे हैं, अगर वो प्लेन शीट मांग रहे हैं आपसे या CSV मांग रहे हैं आपसे, तो आप उस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर दें। अभी मैं आपको जेएसएन के बारे में बता रहा था। यहाँ पे कोई सा भी अगर आपको एक्सपोर्ट करना है उस पर क्लिक करें, और उसके बाद आप कौन कौन सा डेटा उसमें देना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक कर दें, उसके बाद आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करें। स्टार्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये बता रहा है कि आपका GSTN कंप्लीट हो चुका है, जो कि रखा हुआ है डी ड्राइव के मार्क फोल्डर में और GST रिटर्न के फोल्डर में। तो मैंने ओके कर दिया। अब आपको ढूंढना कैसे है, सिंपल सा स्टेप है। आप अपने मार्क का जो सॉफ्टवेयर है उस जो आइकन है उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप इस पे ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करें। ओपन फाइल लोकेशन के बाद आप इस फोल्डर को बड़ा कर लें और सबसे ऊपर जाएं, और जैसा कि आप हमें देखने को मिला था GST रिटर्न, तो आप GST रिटर्न में जाकर आपकी फाइल ये है, और इसको आप अपने सीए को मेल करें। जैसे भी आप अपने सीए को या जैसे भी आप रिटर्न करते हैं आप इसको वहां पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है
आपको निकालना होता है जीएसटीआर 3B। तो इसको मैं स्केप कर देता हूँ, फिर से मैं चलता हूँ जीएसटी में, और जीएसटी में जाने के बाद जीएसटीआर 3B पे क्लिक करता हूँ। हर महीने जो है जीएसटीआर 3B जाती है, तो ये तो आपसे मांगेंगे मांगेंगे, तो ये दोबारा से सीए की डिटेल मांग रहा है। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब ये जो पूछ रहा है कि जो जीएसटीआर 3B है वो गवर्नमेंट के फॉर्मेट में देना है जो एक गवर्नमेंट ने सिलेक्ट कर रखा है, या समरी आपको भेजनी है, या चेकलिस्ट चेक करना है, तो रिकमेंडेशन यही है कि जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है आप उसी को चूज करें, और उसमें आप क्या क्या देना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके भी बता सकते हैं। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप सभी पे क्लिक कर दें, जो भी आप परचेज रिटर्न होगी आपकी, जो भी आपकी सेल रिटर्न होगी, टोटली सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद ओके करें। ओके करने के बाद आप कौन से महीने की चाहते हैं, जैसे कि सपोज कि नवंबर के महीने की चाहता हूँ मैं। अभी खैर नवंबर का महीना ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो आप नवंबर चूज करने के बाद आपको इसमें क्या चाहिए, जीएसटीआर 2 रिकनसाइलेशन चाहिए या अकाउंट बुक, तो अकाउंट बुक पे आप एंटर करें। उसके बाद ये पाथ पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे सेव करनी है, कर दें, और आपको जिस फॉर्मेट में भी चाहिए वो फॉर्मेट आप चूज कर लें। अगर आपसे सीए कहते हैं, आपके अकाउंटेंट कहते हैं कि एक्सेल चाहिए, तो आप एक्सेल पे एंटर करिए। अगर वो कहते हैं पीडीएफ, तो आप पीडीएफ पे करिए। अगर वो जेएसएन मांगते हैं तो जेएसएन पे क्लिक करिए। जेएसएन पे आप एंटर करेंगे, उसके बाद वो लोकेशन पूछेगा। अभी मैंने आपको बताया कि वो लोकेशन कैसे ढूंढनी है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और अगर वो एक्सेल मांगते हैं तो सिंपली आप उस पर एंटर कर दें, और आपका एक्सेल कुछ ही टाइम में, अभी आपसे आपका फाइल पाथ फाइल पूछ रहा है कहाँ सेव करना चाहते हैं एक्सेल को, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, और ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं, तो ये फाइल हमारी जनरेट हो चुकी है, जो कि अब इसको हम चेक कर लेते हैं, तो ये हमारी डेस्कटॉप पे ही सेव हो गई है। और इसी तरह से अगर हम उस जीएसएन निकालते हैं, तो 3B में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कहाँ सेव करना है। इसको यस करें, और उसके बाद फिर जो है आपको जीएसएन के लिए भी ये पाथ पूछ लेता है, बट ये GSTR 1 में नहीं है, GSTR 1 में आपको फोल्डर में जाना पड़ता है। तो जैसे हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, और ये हमारे पास आ गया, जनरेट हो गया। तो सीए आपसे जीएसटी की कोई सी भी रिपोर्ट मांगते हैं, आप उस पर क्लिक करके अंदर ऑप्शन में जाकर, अगर वो एक्सेल मांगते हैं आप एक्सेल भी दे सकते हैं, यदि कोई और फॉर्मेट भी अगर वो आपसे मांगते हैं तो उसे भी आप दे सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।